पृथ्वी मां आपको नमन। मेरे भारत की पृथ्वी मां आपको नमन। महाराष्ट्र की नागपुर की सूर्य भूमि आपको मेरा नमन। परम पूजनीय सर चालक आपको मेरा नम। उपस्थित सभी स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ता, भारत में ही नहीं पूरे विश्व में जो मुझको सुन रहे हैं, उन सभी स्वयं सेवक संघ के प्रचारक एवं अन्य सभी बंधुओं और बहनों, माताएं, विशेषकर युवा और बच्चे, आप सबको मेरा हृदय से प्रणाम, ढेर सारा स्नेह। प्रारब्ध पहले भयो जन्म पाछे, यस अपयस जन्म मृत्यु लाभ हानि सब विधिहार। इन शब्दों की श्रृंखलाओं को कहने का तात्पर्य, अक्सर मेरे आचरण और मेरे व्यवहार से लोग मुझसे पूछते थे, क्या तुम संगी हो? तो मैं कहती थी बड़े भोले मन से कि वो क्या होता है, मैं संघ के बारे में नहीं जानती थी। उस वक्त मैं एक छोटे से गांव से, प्रारंभिक शिक्षा मेरे गांव से हुई, तो मेरा शिक्षा का स्तर उतना अच्छा नहीं था, तो मैं उसी उधेड़बुन में लगी रहती, कैसे अपने शिक्षा का स्तर को ऊंचा करूं। मुझे दुनियादारी से बहुत ज्यादा संपर्क में मन नहीं था, और अक्सर ये संयोग होता था, लोग मुझे कहते थे तुम संगी हो क्या? तो मैं कहती थी वो क्या होता है। आज वो प्रारब्ध है, मैं संघ के इस सर्वोच्च मंच पर आपके स्नेह पा रही हूं। नित्य जो हम कर्म करते हैं, अच्छे या बुरे, वो प्रारब्ध बन करके ही हमारा सृजन करता है। भारत की भूमि पर जन्मी हमारी सनातन संस्कृति, जिसका पूरी तरह से संघ के एक एक प्रचारक पूरे सेवा भाव, पूरे विश्व कल्याण, सृष्टि का कल्याण हो, उसके लिए बहुत मेहनत कर रहा है। एक आवश्यकता में जीता है स्वयं सेवक। सनातन संस्कृति का मूल मंत्र को पकड़ा हुआ है, आवश्यकता में जीना। ये मैं स्वयं बचपन से ही, बहुत एक संपन्न परिवार से होते हुए भी मैंने इस आवश्यकता को ही अपनाया। उस आवश्यकता में जीने के भाव ने मुझको न केवल हिमालय की उस सर्वोच्च स्थान तक पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, बल्कि विश्व के अनेक जगह पर और अलग अलग चीजों को अनुभव करने का, मेरा पुलिस में जाकर के शस्त्रों का ज्ञान लेना और अन्य कई तरह का ज्ञान मुझे हासिल हुआ। वह एकमात्र तरीका था कि हम सनातन संस्कृति के जो मूल मंत्र है, आवश्यकता में जीना। और आज स्वयं सेवक संघ का एक एक प्रचारक उसकी पालना कर रहा है, और इसी बात ने मुझे प्रभावित किया और आज मैं इस मंच पे हूं। वह इस पूरे विश्व और सृष्टि के कल्याण में कार्यरत है, पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व के
हर मानव समाज को मैं अनुरोध करना चाहती हूँ कि वो आवे और इनके कार्यकलाप को देखें। मैं पहले भी कई लोगों से मिल चुकी हूँ और कल से जब से मैं आई हूँ नागपुर में, मैं एक एक कार्य को देख रही हूँ। वो इतना शोभनीय है, वह इतना प्रेरित करने वाला है। संगीत, कल भी मैं हमारी बहनों से मिली, सेविका समिति की अध्यक्ष से मिली, उन्होंने जो गीत गाया वह भाव को कैसे जगाता है ये हमें सीखना है। सनातन संस्कृति में जो जीता है वो सदैव सृजन के भाव में जीता है, वे नष्ट के भाव में कभी नहीं जीता। सनातन संस्कृति हमें स्वास्थ्य के लिए, सर्वप्रथम स्वास्थ्य के लिए प्रेरित करती है। पांचों तत्व की शुद्धता की पालना ही करते हैं तभी हम स्वस्थ रहते हैं, और मानव का सबसे पहला उद्देश्य ही स्वस्थ रहना होना चाहिए। जब वह स्वभाव तो मानव का खोज करना है, जब वह स्वस्थ रहता है तो वह स्वस्थ खोज करता है। सनातन संस्कृति का जो वात्सल्य है, बचपन से ही मैं इस दुनिया में आई नहीं थी, मेरी दादी माँ जिन्होंने मुझे मांगा, मेरी माँ जब मैं बाहर बड़ी हुई बाहर निकली घर से, तो वह रोजाना एक दीपक जला करके मेरी सुरक्षा की कामना करती थी। मेरे पिता का लाड गले के हार इतना लाड करते थे, उस स्नेह ने मुझे आत्मबल का धनी बनाया। मैं अक्सर ये बात कहती हूँ सभी से कि स्नेह से सब कुछ जान सकते हैं हम। भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति हमें समर्पण भाव सिखाती है, हमें कैसे सबके साथ मिलजुल करके रहना है उसको सिखाती है। जबरदस्त, इतना इस सनातन संस्कृत में विज्ञान छुपा हुआ है, और जब उस विज्ञान को हम समझ जाते हैं और अध्यात्मिक प्रकाश, उस अध्यात्म की प्रकाष्ठा में हम जाते हैं और आनंदित होते हैं। कई बार हम लोग दूर से ही चीजों को देख करके कई विरुद्ध बातें करते हैं। मुझको याद है एक बार मैं JNU में अपने पर्यावरण के उद्बोधन में बच्चों से बातचीत कर रही थी। एक बच्चे ने कहा कि हमें रामचरितमानस या गीता पढ़ने के लिए क्यों कहा जाता है। हमने कहा किसने कहा आपको, हम तो चर्चा नहीं कर रहे इस बात की। फिर मेरे मन में एक प्रश्न उठा, हमने पूछा उनसे क्या आपने इसको पढ़ा है, उन्होंने कहा कि नहीं। तो मैंने कहा पढ़ा ही नहीं है, इसके बारे में नहीं जानते तो इसके पर इसकी प्रति द्वेष क्यों, विरोध क्यों, पहले इसको जानिए उसके बाद इसके बारे में चर्चा करें। तो हम किसी चीज को जाने बिना पहले किसी चीज के बारे में अपनी धारणा बनाना ये सनातन संस्कृति नहीं सिखाती। सनातन संस्कृति एक विनम्रता का भाव देती है, वह चाहे हमारा वस्त्र है का पहनने का ढंग है, चाहे हमारा भोजन करने का ढंग है, हमें क्या ग्रहण करना है दसों इंद्रियों के साथ में, वह सिखाती है सनातन संस्कृति। ये मेरे भारत की पवित्र भूमि पे जन्मी है, हिमालय से लेकर के सागर तक। इसीलिए हम सब भारतीयों की जिम्मेवारी बनती है सनातन संस्कृति का उद्घोष, इसका प्रचार पूरे विश्व में पूरी जागृत अवस्था के साथ में खुद सनातन संस्कृति तो अपनाए, और उसके बाद हम पूरे विश्व में विश्व कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए इसके प्रचार प्रसार में जुटना चाहिए। मैं अपने
स्वयं सेवक संघ के सभी प्रचारक से प्रार्थना करती हूं कि आप जिस संकल्प के साथ में 97 वर्षों से कि सृष्टि का कल्याण हो, पूरे मानव का कल्याण हो, निस्वार्थ भाव से लगे हुए हैं, आप मजबूती से आप लगी और आगे बढ़िए। मैं आपके साथ में खड़ी हूं। आप लोगों ने मुझे बल दिया, हम आपको बल दें। आज पूरा भारत ही नहीं, पूरा विश्व अनेक तरह की समस्याओं से जूझ रहा है, चाहे प्राकृतिक सामाजिक पर्यावरण की समस्या है, चाहे राजनीतिक और चाहे अर्थव्यवस्था। उसका एकमात्र समाधान है, वह है सनातन संस्कृति। आपके इस कार्य को, जो ईश्वरीय कार्य में आप लोग लगे हैं, पूरे विश्व को इस कार्य में, पृथ्वी मां के सम्मान में, हम पूरे मानव के सम्मान में सबको एकजुट होकर के लगना है। मैं आप सभी लोगों से ये विनती करती हूं कि आप सब लोग सर्वप्रथम अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, और उसी की मैं कामना करती हूं कि पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व का मानव जगत स्वस्थ रहे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं नागपुर वासियों का, और हमारी भारत माँ की ध्वजा जो सामने लहरा रही है, उसको मैं कोटि कोटि मेरा नमन। भारत माता की, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद।